पाकिस्तान में इमरान खान साहब अब प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वजीर आजम बन रहे हैं वहाँ, और उन्होंने आपको न्योता भी भेजा है और आप जा रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया कि एक क्रिकेटर जो अब एक मुल्क को संभालेगा, उसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं सबसे पहले तो सम्मानित महसूस करता हूं। देखिए, आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान से होता है। तो पहले चार लोगों को जिनको खान साहब ने बुलाया है, उनमें मेरा नाम शामिल है, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। दूसरी बात, जब कोई सरकार बदलती है, वजारत बदलती है और कोई नया वजीर आजम आता है, तो वो नई सोच लेके आता है, नई विचारधारा लेके आता है, वो नए तरीके से काम, जो कि सकारात्मक तरीके से काम करने की क्षमता लेके आता है। फिर द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट दैट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फिर ये आप देख सकते हो कि पिछले 20-25 साल में खान साहब ने किस करदार को दर्शाया है। आफतों ने उन्हें संवारा है, निखारा है, और उन्होंने संघर्ष को अपना गहना बना के एक नई पार्टी जो स्क्रैच से शुरू की और उसके बाद वजीर आजम बन गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर जो आइकॉनिक हैं, विश्वास किया जा सकता है, एक नई शुरुआत का, संबंधों के इम्प्रूव होने का, मतलब आस बंधी है, विश्वास बंधा है। सिद्धू साहब, आप उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं, और मुझे याद आता है 1989 की वो सीरीज जिसमें पहली बार भारत चार टेस्ट वहाँ खेला और कोई हारा नहीं था, और एक टेस्ट तो आपने बचाया था, 97 आप रन बनाए थे आपने उसमें, जी सचिन हाँ, 52 रन बनाए थे उन्होंने, और आप विकेट पे जी टिक कर 2 दिन तक आपने ये श्योर किया कि भारत ये टेस्ट नहीं गंवाए, और उस वक्त इमरान साहब भी अपने कैरियर में बहुत दमखम के साथ खेल रहे थे। तो क्रिकेट के मैदान पे कुछ ऐसे वाक्य जो आप याद करना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए? अरे सर, क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत से वाकये हुए हैं, एक वाकये नहीं हुआ, बहुत बहुत से वाकये हुए हैं। वो दिन जो थे, घास वाली पिचे होती थी और खान साहब को ये लगता था कि भारतीय लोग जो हैं वो गंजी पिचेस पे खेलते हैं और घास के ऊपर वसीम, वकार, इमरान खान और आकिब जावेद को भारतवर्ष नहीं झेल पाएगा। लेकिन उन पिचेस के ऊपर ऐसे खूंखार उगलने वाले बॉलर और ऊपर से घास, तो मुझे लगता था कि ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष जो है वो गहना बनाना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो उन हालातों में हम लोग वहां ड्रॉ करके आए, तो उसमें कई चीजें ऐसी हुई जो मैं बयान कर सकता हूं कि सचिन तेंदुलकर के चेहरे पे गेंद लगी थी और मतलब मुझे लग रहा था कि 24 पे 4 आउट हैं, या ये गेंद लगी है तो 5 आउट हो गए, पीछे तो ज्यादा रहेगा नहीं, तो हम मैच हार जाएंगे। लेकिन तेंदुलकर ने ऐसा जज्बा दिखाया कि उस हालात में नाक टूटा हुआ, खून कमीज के ऊपर बरसता हुआ, 52 रन बनाए और वकार के साथ पूरी टक्कर ली, तो वो एक याद है। फिर तेंदुलकर के 5-6 छक्के, वो याद है। फिर इमरान खान साहब की कप्तानी जो है वो मुझे इतनी ज्यादा सटीक लगती थी और इतनी ज्यादा लुभावनी लगती थी कि वो विश्वास खुद में नहीं जगाते थे, लोगों में अलग जगा देते थे। मतलब ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते थे। वसीम, वकार, जब उनके पास स्पाइक शूज नहीं थे, खेलने के जूते नहीं हुआ करते थे, गांव से लाके उन्हें बगैर कोई फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल मैच खिलाए सीधा टेस्ट मैच खिला दिया। जी अब इंजाम उल हक को एक नॉर्मल खिलाड़ी जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है वहां देखा, वहां उन्हें बाउंसर मारा और उससे साथ थोड़ी प्रैक्टिस की और सीधा उसे वर्ल्ड कप के कैंप में लाए और सीधा वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। तो इस तरह से हुनर को संवारना, तराशना हीरों की परख जौहरी को होती है, और पाकिस्तान की टीम को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब्दील कर देना, कमजोरी को ताकत में तब्दील कर देना, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना देना, हार को जीत में तब्दील कर देना, ये इमरान साहब के किरदार में है। और सिद्धू, आज पाकिस्तान भी उन्हीं हालातों से गुजर रहा है। परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी और अमन अमान बहाल करना पड़ेगा। कोई आसान परिस्थिति नहीं है,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ही थ्राइव्स इन गुड कंडीशन. जब टीम अच्छी परिस्थितियों में होती थी वो सो जाते थे, लेकिन जब कठिन परिस्थितियों में होती थी तो सबसे आगे होते थे. एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट लीडर. आप जब मिलेंगे उनसे तो वो बात क्या कहेंगे जिससे दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं वो भी सुधरे? नहीं, फिलहाल तो ये स्वेरिंग इन सेरेमनी है. मुझे नहीं लगता कि वहां पे ऐसी बातें हो सकेंगी जरूर, लेकिन एक शुरुआत होगी, एक आभास होगा, एक एहसास होगा कि आज हमें उम्मीद है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, संबंधों में सुधार कर सकते हैं. तिजारत जितनी बढ़ जाए, बॉर्डर खुल जाए, तिजारत जितनी बढ़ जाए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जितनी हो जाए, उतने संबंध ज्यादा अच्छे हो जाते हैं. ननकाना साहब के लिए शुरुआत पाकिस्तान से करना चाहते हैं, गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के लिए. करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलवाना चाहते हैं, हुसैनीवाला बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, ये खुल जाए. कोई अमृतसर से साग मक्की की रोटी खाए, जाके शाम को बिरयानी खा के लाहौर से वापस आ जाए, तो फिर मैं मानूंगा कि रिश्ते सुधर रहे हैं. और तिजारत जितनी बढ़ती जाएगी उतना मुझे लगता है कि लोगों में प्यार परस्पर बढ़ता जाएगा और ये एक्रिमनी घटती जाएगी. हम लोग अहिंसा से ही हमने ये देश आजाद करवाया. वी शुड शन वायलेंस, मेक अ न्यू बिगिनिंग. सिद्धू साहब, एक आखिरी चीज, कोई आपकी ऐसी याद इमरान साहब से जिसने आपके ऊपर बहुत असर डाला हो कि वाकई लीडर, ट्रू लीडर? मैंने जब मैं लास्ट टूर में 2004 में एमपी बनने से पहले इमरान साहब के साथ कमेंट्री कर रहा था पाकिस्तान में, तो उन्होंने अलामा इकबाल की एक बात सुनाई. उन्होंने कहा नवजोत, चाहे क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स, लोमड़ी कितनी भी चालाक हो जाए, जंगल का राजा शेर होता है, क्योंकि शेर में जुर्रत होती है. और राजनीति जो है वो जुर्रत की है, बुजदिली की सजा मौत होती है. तो एक शेर सुनाया था जो मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसका मतलब यही था कि बुजदिली की सजा मौत है. कायर रोज 50 बार मरता है और बहादुर जीवन में, जिंदगी में एक बार मरता है. ये मैंने उनसे सीखा है और उनकी बहादुरी की दाद देता हूँ कि ही स्टेड एट डेथ इन पॉलिटिक्स. बुरी तरह से मतलब मारपीट हुई थी जी. एक सीट वाली पार्टी थी जब शुरुआत हुई, वहां से उनकी प्राइम मिनिस्टर तक की जर्नी जो है वो बहुत संघर्ष की है, वो बहुत आफतों की है, लेकिन हर आफत ने सुरखरू किया उन्हें, हर आफत ने उन्हें संवारा, निखारा. जैसे रगड़े खा के पकता है जी. जैसे शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति भी नहीं बनती, वैसे ही खान साहब हर मुसीबत में सुरखरू हुए हैं.